नियमों पर बढ़ रहे हैं तो अजीत शाह गौंड तिलकधारी अनागारिक सफेद कपड़ों, उन्होंने कहीं से ढूंढा नंबर, उन्होंने धमकी वीडियो देखी, उन्होंने सोचा कि हम धम का काम करते हैं, पर हम संघ का करते हैं। धम का काम, बुद्ध का काम हमने औरों को छोड़ रखा है। बहुत सारी संस्था है वो धम का काम करें, बुद्ध का करें, संतों का करें, मतों का करें, हम भी करते हैं इस काम को, पर हम अलग तरह से। तो उनसे मुलाकात हुई, वो आए और कहने लगे कि संघ की फिलॉसफी मुझे समझ में आ गई, बिना संघ के हम चल नहीं पाएंगे, और मुझे पूरी तरह से संघ समझ में आ गया। तो हमने भी देखा उनको, ये पुराने संघी हैं, अनागारिक हैं और तिलकधारी भी हैं। तिलकधारी मतलब है तिलक, तीन लक्षण वाले। तिलक हमारे शब्द है, पाली में बोलते हैं तिलक, तीन लख, तीन लक्षण, तीन रत्न वाले, इनके अंदर बुद्ध धर्म और संघ तीनों के गुण आए हुए होते हैं, उनको तिलक लगा। तो उन्होंने कहा मैं एक संगति करूंगा। हमने कहा देखो, मध्य प्रदेश की संगति बड़ी मजेदार है, कामयाब नहीं हो पाती, आप चाहो तो कर लो एक्सपेरिमेंट। और कह जी करूंगा मैं, क्यों नहीं कामयाब हो पाती? हमने कहा इसलिए कामयाब नहीं हो रही है क्योंकि कुछ लोग मध्य प्रदेश जुड़े, उनमें कईयों ने कहा चुनाव लड़ना है, हमने कहा इधर तो राजनीति होती नहीं, कईयों ने कहा मंचमाला चाहिए, कईयों ने कहा पद पोस्ट चाहिए, कईयों ने कहा प्रसिद्धि चाहिए, कईयों ने कहा कि हम नेता बनना चाहते हैं। एक तो रिटायर होने के बाद पहुंचे उधर, उनको रास नहीं आया क्योंकि शॉर्टकट नहीं, ऐसा नहीं है कि बस तुरंत तुरंत मामला बना और MLA MP का टिकट मिला और अपना कहीं सर्टिफिकेटिंग होगी काम खत्म हो गया, ऐसा है नहीं। संघों में नहीं होता है, होता तो संगठनों में नहीं है, पर संगठनों में चपटाई करके चापलूसी करके कहीं को टिकट शिकट दे देते हैं तो उसी को समझ लेते हैं बेड़ा पार हमारा हो गया। हमने कभी कहा रखोगे? उनको पहली संगति हम भोपाल में रखेंगे। तो श्री का जो शब्द है, श्री की पाली का है, श्री माने होता है मुख्य है, जैसे हमारे घर का श्री है कोई तो उसको एक ही श्री होता है, एक घर के अंदर एक ही हेड होता है, एक ही मुख्य, तो कहते हैं ये हमारे श्री है। श्री सम्राट हो गए या श्री मान हो गए या श्री मंतु हो गए। और एक शब्द होता है पाल, पाल माने होता है पालना, और एक शब्द होता है काल, काल माने समय, और इनसे पहले अगर भो लगा रहे हैं पाली का भो, तो भो माने होता है अहो, बहुत बढ़िया शानदार ऐश्वर्य वाला, तो ये है भोपाल, बहुत अच्छा पालने वाला। एक भोसरी होता है वो भी हमारा है, यानी बहुत मुख्य है, और एक होता है भोपाल, ये हमारे शब्द हैं पाली के, ये पूरा भोपाल हमारा है। इसका यहाँ सब विदिशा बताया, अभी विदिशा का मतलब दिशा से अलग, इसको दिशा ना हो, यानी मच्छ में केंद्र में है, इसलिए विदिशा बोलते हैं, क्योंकि मच्छ में था। यहाँ धम्म संघ बुद्ध बिखरे पड़े चार, और जैसे यहाँ बुद्ध धम्म संघ बिखरे पड़े हैं वैसे ही और स्टेटों की तरह यहाँ के लोग भी बिखरे पड़े हैं। हम के यहाँ हजारों काम चल रहे हैं, अलग अलग लोग अलग अलग बैनर लगा के धम्म को खूब फैला रहे हैं, पर धम्म नहीं फैलता। क्यों नहीं फैलता धम्म? क्योंकि धम्म कहता है कि अगर संघ का एक ही टुकड़ा हुआ तो बुद्ध जैसा व्यक्ति अपने आनंद भाई को जीवन में कभी संघ में शामिल नहीं करेगा, संघ घात में वो हृदय घात से मरेगा, सड़ सड़ के मरेगा, बेशक बुद्ध का भाई है क्योंकि संघ तो। पर यहाँ तो संघ के टुकड़े हर गली में हो, हर व्यक्ति यहाँ अलग अलग धम का काम करता है, भिक्खु अलग हैं, संस्थाएं अलग हैं, संस्थाएं चुकम पत्रम कर रही हैं, लड़ रही हैं, तो कैसे धम पड़ेगा? बढ़ नहीं सकता। तो जो संघ का काम करते हैं, संघ के नाम से नहीं करते पर संगठन के नाम से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर एक जगह होता तो बेहतर होता। पर सरकारी कर्मचारियों के लाखों टुकड़े, एक टुकड़ा सरकारी कर्मियों का यहाँ भरा हुआ है, वो अलग नाम चलता है, दूसरा उसके विरोध में अलग नाम चलता है, तीसरा अलग नाम चलता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में, एक ही डिपार्टमेंट में तीन तीन टुकड़े, दिल्ली के अंदर संघ परिसंघ महासंघ अलग अलग टुकड़े। मैंने सब में काम किया, मैं इसलिए बोल सकता हूँ अथॉरिटी के साथ, मैंने धर्म में भी काम किया, मैंने संघों में भी काम किया, मैंने लामसिंह में भी काम किया, मैंने छोटी संस्थाओं में भी काम किया, बड़ी में भी किया, राजनीति नहीं की क्योंकि राजनीति हमें दिखाई देता है कि उससे कोई परिणाम आता नहीं। तो हजारों टुकड़े हैं, लाखों टुकड़े हैं, जैसे यहाँ है वैसे सब जगह।
तो कैसे कब बात बनेगी, बात नहीं बन सकती। राजनीति में हम जाते नहीं पर राजनीति का एनालिसिस करते हैं। राजनीति के हजारों टुकड़े हैं, 14-15% लोग जो शेड्यूल कास्ट के नाम से करते हैं, अभी ओबीसी का तो नाम ही नहीं है, सवर्ण तो सारे ही हैं, उनके हजारों टुकड़े हैं, आपस में जूता पत्रम करते रहते हैं, आपस में लड़ते हैं, आपस में एक दूसरे की शैतानी करते हैं, आपस में एक दूसरे को हराते रहते हैं, आपस में एक दूसरे को काटते रहते हैं, जिसको काटना है वादों तक पहुंचते नहीं, वो आपस में कटमर के मर जाते हैं। कैसे बात बने, कैसे काम चले, स्टूडेंट है, लड़के हैं, उनके हजारों, किसी ने टाइगर फोर्स बना रखी है, किसी ने लायन फोर्स बना रखी है, किसी ने जयकार फोर्स बना रखी है, किसी ने कोई सी फोर्स बना रखी है, कोई सैनिक बना रखा है, कोई स्वयं सैनिक, कोई दल, कोई पता नहीं क्या क्या बना रखा है, पर ना तो वो किसी से पूछते हैं और ना भी उन्हें समझाता है, पर उनका फायदा उठाने के लिए उनकी मंचों पर जाके भाषण वाषण दे के एक टिकट सीट लेने के जुगाड़ में वो भी लगे रहते हैं और लोग रहते हैं, ये काम चलता रहता है। पर एक आध टिकट लेने से या किसी के एमएलए एमपी बनने से कोई समस्या सॉल्व होने वाली है क्या? अगर समस्या सॉल्व होती तो आपका रिजर्वेशन आपको नौकरियों में मिले या ना मिले, आपका रिजर्वेशन चाहे आपको पढ़ाई में एजुकेशन में मिले या ना मिले, पर आपका जो रिजर्वेशन है वो आपको पॉलिटिकल पूरा मिलता है 100%। जब से पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला है तब से एक भी सीट आपकी खाली नहीं रहती, इससे ज़्यादा क्या जाओगे जीत के, इतने सारे जीते हुए हो, अगर उन्हीं से कुछ नहीं होता तो आप जीत के पार्टी बना के कौन सा झंडा गाड़ लोगे और कौन सा सुख प्राप्त कर लोगे? 70 साल से जो अधिकार मिले थे वो अधिकार चले गए जो संविधान की बदौलत मिले थे, और संविधान भी जा रहा है तो जो संविधान की बदौलत अधिकार मिले थे वो संविधान भी जा रहा है, तब कुछ नहीं मिला तो अभी क्या मिलेगा? तो लोगों ने नया धंधा निकाल लिया, अब हम संविधान को बचाएंगे। पर 70 साल से सो रहे थे, जब वो बिल्कुल खत्म होने वाला है तब बचाने के लिए चंदा लेने आ गए, अब हम संविधान को बचाओगे? तो हम पूछते हैं कि कैसे बचाओ, चलो बचाओ अच्छी बात है, कौन मना करता है, कौन कहेगा कि संविधान को नहीं बचाना चाहिए, जिनके बाप दादा का संविधान हो उनके तो खून खोलता है, उनको बचाना चाहिए, पर बचाओगे कैसे? अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग संदर्भ बना के, अलग अलग धर्म की सत्ताएं बना के, ये साधुओं के संतों के जो मत हैं अलग अलग मतों में जाके, अलग अलग मठ हैं अलग अलग आश्रम में उनमें जाके कैसे बचाओगे? राजनीतिक पार्टी से कैसे बचाओगे? तुम तो राजनीतिक पार्टी में एक दूसरे के दुश्मन खड़े हो, तुमको बचाने के लिए कितना चाहिए? 75% एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए संविधान में नियम बदलने के लिए, पर 51% तो तुम्हें कोई नियम बनाने के चाहिए, विधानसभा में भी चाहिए, अगर जिला बोर्ड है तो भी उसमें 51% चाहिए, तो संविधान कैसे बचाओगे? जब उनसे ये पूछते हैं तो हमको कहते हैं ये RSS का आदमी है, ये BJP के लोग हैं, इनको बाहर से पैसा मिला है, इनको अंदर से पैसा मिला है, ये लोग अपनी रोटी सेक रहे हैं, ये कल को राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। हमने कहा भाई तेरे सारे इल्जाम हमारे सर मत उठा, हम तेरे सारे इल्जाम कबूल करते हैं, पर तू हमारे सवाल का जवाब तो दे, ये तूने कहां से सीख लिया कि जो सवाल हम पूछते हैं उसका जवाब नहीं देता और इल्जाम लगाता है? तेरे इल्जामों के जवाब हम दे देंगे, तू खुद आ जा संघ में आके देख ले, संघ में आने की कोई फीस नहीं है, संघ में आने के लिए कोई मना नहीं है, विजिटर के रूप में आओ और आके देखो कैसे संघ काम करता है, संघ में क्या होता है क्या नहीं, तो खूब देखो, खूब सवाल करो, संघ के नियम बड़े मजबूत हैं। अगर अब तक अगर 300 संगति लगी है तो 300 संगतियों का हिसाब है हमारे पास में, कहां से कैसे एक एक आदमी कहां आया कौन गया सब चीज का पता है, हम तो देने को तैयार हैं, पर एक सवाल का जवाब तो दे दो कि संविधान को कैसे बचाओ? वो सवाल का जवाब नहीं दे पाते, पर संविधान बात का जवाब देता है कि संविधान को कैसे बचाना है। संविधान ये कहता है कि मैं लोगों के द्वारा लोगों के लिए और लोगों का संविधान हूं, मैं बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं। अगर लोग ये सोचते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है तो गलत है, वो पूरे भारत का संविधान है, भारत के लोगों ने उसको अनुमोदित किया है, उसको पास किया है, बाबा साहब उस कमेटी के चेयरमैन थे, बाबा साहब ने 3 साल लड़ मर के उसमें नियम बनाए कानून बनाए जो कोई नहीं बना सकता था, जो सारे हाथ खड़े करके भाग गए, कड़ा काम था संविधान बनाना, जो नियम बनाना होता है वहाँ संविधान सभा के अंदर ऐसे सभा बैठती थी, वहाँ 3 साल तक लोग बाबा साहब का खून पीते थे, ये क्या लेके आए हो, लेके कोई कुछ नहीं आता था, बाबा साहब ही प्रस्ताव लेके आते थे, उन्हीं पर वो लोग बहस करते थे, उन्हीं पर वो सवाल जवाब करते थे, बाबा साहब उनका सबका जवाब देते थे, इसलिए वो बाबा साहब का संविधान के नाम से जाना जाता है। पर है वो देश का संविधान लोगों का, क्योंकि बाबा साहब ने नियम पास कराए, पर पास किसने किए? पास तो लोगों ने किए, अगर बाबा साहब प्रस्ताव रखते और लोग उसको पास ना करते तो वो नहीं आते। बाबा साहब आर्थिक जो
प्रस्ताव थे जो रखने चाहिए थे वो नहीं आए, जो सामाजिक बराबरी का जो बराबरी का प्रस्ताव था वो नहीं पास करा पाए क्योंकि वो नहीं हो पाया उस समय, बस राजनीतिक प्रस्ताव में हो पाया। इसलिए हमें राजनीतिक ताकत मिली, सामाजिक और आर्थिक नहीं मिली, ये बाबा साहब बता के दिए। पर संविधान लोगों का है, लोगों के द्वारा है, लोगों के लिए है, इसलिए उसको लोग ही बचाएंगे, उसको कोई नेता नहीं बचा सकता। अगर कोई नेता ये सोचता है कि वो संविधान बचाएगा तो वो चंदा लेने के लिए आ रहा है, वो एमएलए एमपी बनने के लिए आपसे बात कर रहा है। क्योंकि 2 अप्रैल 2018 को इन नेताओं ने आपके संविधान में से एक पर्चा जो एट्रोसिटीज एक्ट का था उसको बदल दिया, और वो हमारे नेता वहां बैठे हुए थे, उन्होंने भी एडजस्ट किया, उन्होंने भी वोट दिया उसके लिए, या वो चुप रहे। जो राजनीतिक पार्टियां थी उन सबने वो प्रस्ताव पेश किया, वो सब चुप रही। जितने संगठन थे वो कोई खड़ा नहीं हुआ, जितने नेता थे वो कोई नहीं आया। तो कौन आया सड़क पे? आम आदमी सड़क पे आया, वर्ग भूल गए, जात भूल गए, अपने संगठन को भूल गए, अपने धर्म को भूल गए, अपने मत को भूल गए, अपने धर्म को भूल गए, अपने क्षेत्र को भूल गए, अपनी भाषा को भूल गए, और सारे लोग सड़क पे आए 4 घंटे के लिए। क्या बनाया उन्होंने? लोगों का संघ, संघ बनाया। और सारे लोगों में से ओबीसी के लोग ज्यादा नहीं थे, शेड्यूल कास्ट लोग ज्यादा, थोड़े से लोग थे पर बहुत थे, पूरे देश में एक साथ खड़े हुए। 4 घंटे का एक संघ बनाया, तो कोई अर्जी नहीं दी, कोई पर्ची नहीं थी, कोई सरकार के पास प्रस्ताव नहीं लगाया, कोई सरकार के पास गए नहीं, हमने वहां इकट्ठे हुए तो आप हमारा नियम वापस कर दो। पर संविधान को पता चल गया कि लोग क्या चाहते हैं और कहां इकट्ठे हैं, तो वो ठीक हो गया, बिना पर्ची लगाए बिना प्रस्ताव लगाए 4 घंटे में कमाल हुआ। जब किसान आंदोलन हुआ तो 32 लोग किसान अलग अलग संगठनों में अपने 3 जो ऑर्डर थे उनको हटाने के लिए लड़े, पर अलग अलग संगठनों में लड़े तो सरकार ने बात नहीं सुनी। पर जब वो इकट्ठे होकर संघ में आ गए, कितने से किसान थे, मात्र पंजाब के और हरियाणा के किसान थे, तो पूरे देश के किसान नहीं थे, पर पूरे देश के किसानों का साथ मिल गया, आवाज आ गई, तो संविधान को पता चल गया कि लोग इन नियमों के फेवर में नहीं है, बदले रुकते खत्म हो गए। तो नेताओं ने तो नहीं बंद कराए, वो नेताओं ने तो नियम बनाए थे पर खत्म पब्लिक ने करा दिए। यानी पब्लिक से बड़ा संविधान नहीं होता, पब्लिक से बड़ी पार्लियामेंट नहीं होती, पब्लिक से बड़ी कोई चीज नहीं होती। जहां संविधान चलता है वहां, हमारे यहाँ कोई राजतंत्र नहीं है कि पब्लिक की नहीं सुनी जाएगी। इसलिए संविधान बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, इसलिए बाबा साहब ने कहा। तो संविधान को बचाने का काम लोग कर सकते हैं, नेता नहीं कर सकते। नेता जब कर सकते हैं जब वो इकट्ठे हो जाए सारे। अगर सारे नेता इकट्ठे हो जाए, सारे जितने भी संतों के मत गुरु धम वाले लोग जितने भी इकट्ठे हो जाए, जितने भी लड़के हैं दल वाले वो सब इकट्ठे हो जाए, जितने भी सरकारी कर्मचारियों के संगठन है वो सारे इकट्ठे हो जाए, और फिर वो आपस में इकट्ठे हो जाए, ये जितने भी भवन बना रखे हैं, आश्रम बना रखे हैं, मंदिर बना रखे हैं, जितने भी, चाहे वो सप्तमी मंदिर है, चाहे वो गाड़ के मंदिर है, चाहे वो बुद्ध मंदिर है, चाहे वो अम्बेडकर भवन है, चाहे वो कबीर भवन है, चाहे वो रैदास भवन है, चाहे वाल्मीकि भवन है, बहुत सारे संत हैं, 250-300 संतों के बने हुए हैं। बंगाल में अलग है, गुरु हरचंद ठाकुर है, चार ठाकुर है, तो उन सबके भवन एक साथ आ जाए, लोग एक साथ आ जाए, तब संविधान को बचाया जा सकता है। वरना तो टोपी बना रहे सब लोग, चंदे की पर्ची रखेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, आप इमोशनल हो जाओगे कि संविधान बचाना है, कोई संविधान की यात्रा निकालेगा, कोई संविधान बांटेगा, कोई संविधान का वाचन करेगा, कोई संविधान का प्रीएम्बल पढ़ेगा, कोई संविधान की कोई धारा बताएगा, कोई संविधान का व्याख्यान करेगा, कोई संविधान की पाठशाला लगाएगा। पर संविधान कहता है इससे कोई फायदा, इससे आपका ज्ञान बढ़ सकता है, ऐसा ज्ञान तो वकीलों के पास भरा पड़ा है, वकील तो बनता ही जावे जब पूरा संविधान पढ़ लेता है। तो संविधान को पढ़ने से रटने से नहीं संविधान बसता, संविधान बसता है संविधान की बात मानने से। और संविधान कहता है कि भारत एक है गणराज्य संघ, गणराज्य संघ, तो हमको संघ के रूप में आना चाहिए, संघ के रूप में इकट्ठा होना चाहिए। तो संघ के रूप में इकट्ठा होने में दिक्कत कहाँ आ रही है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद शॉर्ट में करूंगा, तो खाना खाने के बाद सवाल जवाब में बैक कंसेप्ट आ जाएगा। संघ के रूप में हमें इकट्ठा होने में जो दिक्कत आ रही है फिलहाल, पहले तो हम संघ के रूप में थे। किसी को अगर यकीन ना होता तो मैं एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने किताब लिखी है भगवान बुद्ध और उनका धर्म, उसमें ये लिखा हुआ है कि सिद्धार्थ गौतम जब 21 साल के थे तो अपने संघ में प्रवेश कर रहे थे, यानी संघ पहले से चले आ रहे।
इसलिए वो संघ में प्रवेश किया, वही संघ है, वो समणों के संघ थे, हम सारे लोग समण हैं, इसलिए समणों के संघ पहले से चले आ रहे हैं। तो जो अभी दिक्कत आ रही है वो दिक्कत ये आ रही है कि व्यक्ति जो संगठन में है वो संगठनों के मालिक है, या जितने भी लोग हैं वो किसी ना किसी संगठन में काम करते होंगे। वो अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, क्या संगठन बनाते समय पब्लिक से पूछा कि हम संगठन बना रहे हैं? क्या राजनीतिक पार्टी बनाते समय लोगों के पास गए कि हम कोई राजनीतिक पार्टी बनाना चाहते हैं? क्या लड़कों ने कोई दलबल बनाया तो कभी पूछा सबसे कि हमको कोई दलबल बनाना चाहिए? जो भी बनाता है कमरे में बैठता है, एक किसदार को वो कैसे बनाता है, एक किसदार को वो प्रधान बनाता है, एक दोस्त को वो जनरल सेक्रेटरी बनाता है, कुछ प्रेसिडेंट बन जाता है, फिर उसका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराता है ताकि वो मालिक रहे उसका और उसके हाथ से ना निकल जाए। और नेक्स्ट काम वो ये करता है कि चंदी की रसीद छपवाता है और फिर वो जाता है लोगों के पास में। अगर हमसे पूछा जाता, यानी पब्लिक से पूछा जाता कि हम एक राजनीतिक पार्टी बनाना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि अब भारत में राजनीतिक पार्टी से ही अधिकार मिलते हैं, तो हम कहते हैं आप बिल्कुल ठीक बात है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर आप राजनीतिक पार्टी नहीं बनाओगे या राजनीतिक पार्टी नहीं होगी तो आप अपना हिस्सा वहां जाके कैसे बोलोगे? तो राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए, तो भाई समाज के अंदर राजनीतिक पार्टी बना लो तो बना लेते। फिर कोई दूसरा व्यक्ति आता, वो कहता कि मैं राजनीतिक पार्टी बनाना चाहता हूँ, हमसे पूछता, तो हम क्या कहते उसे? हम सबसे पहले उससे ये पूछते, भाई पहली बारी में क्या हुआ? छोटा बच्चा जब एक पेंसिल खरीदता है और पेंसिल खरीद के और उसका बाप जब उसको पेंसिल दिलाता है और जब वो पेंसिल कहीं खो जाती है, टूट जाती है, और जब वो दोबारा जाता है कहता है पेंसिल चाहिए मुझे एक, तो बाप भी पूछता है पहली पहली पेंसिल का क्या हुआ? पर हम कभी नहीं पूछते कि भाई दूसरी पार्टी, तीसरी पार्टी, चौथी पार्टी, पहला संगठन, दूसरा संगठन, तीसरा संगठन क्यों बना रहे? क्योंकि हमसे तो पूछने आया ही नहीं, पूछे तो जब कोई हमें अथॉरिटी दी हो, हमसे तो चंदा लेने आते हैं और सपोर्ट लेने आते हैं और कहानी ऐसी सुनाते हैं, बच्चे मर जाएंगे, संविधान चला गया, कभी आरक्षण चला गया, कभी मार दिया, कभी पीट दिया, कभी ऑटो शुरू, मतलब डराएंगे हमको, पर कभी ये नहीं कहते कि भाई ये सारी की सारी जो चीजें हैं एक ही पार्टी के तहत में बननी चाहिए, सारी एक होनी चाहिए। तो हमसे अगर पूछते कि दूसरी राजनीतिक पार्टी बनाती है तो हम उससे पूछते भाई पहली का क्या हुआ, तो क्या कहता पहली में? कहता जी वो लोग खराब हैं जो पार्टी वाले हैं, वो बिक गए, या वो खराब हैं, या वो परिवार को ले आए, या परिवार बाद ले आए, या पैसे खा गए, या वो अपने को मंत्री बनाते हैं, या वो अपनी चलाते हैं, या वो लोगों का वेलफेयर नहीं करते। तो हम कहते ठीक है भाई पैसा दिया जाएगा, तुम बैठो इधर, तुमने ये आरोप लगाए हैं, बुलाओ पार्टी वालों को, क्योंकि हमने बनाई पार्टी, हमारे दबाव में रहती, तो हम पार्टी में जो कार्यकर्ता थे वो कहते भाई इनके इल्जामों के जवाब दो। तो दोनों में से एक सही होता, या तो इल्जाम लगाने वाला ठीक होता या इल्जाम खाने वाला सही होता, तो क्लियर हो जाता। तो हम कहते भाई पार्टी एक ही रहेगी, तुम बताओ तुम ऐसे कौन सही है कौन नहीं, पर हमसे पूछे कोई कम ना, हमारी तो कोई इज्जत नहीं, हमारी तो कोई वैल्यू नहीं। चंदा हमसे, हम सपोर्ट करेंगे, नारे हम लगाएंगे, रैली में हम जाएंगे, सारे काम हम करेंगे, पर हमसे पूछे कौन, क्योंकि हमारी कोई औकात नहीं, क्योंकि हम इकट्ठे नहीं है, क्योंकि हम संघ में नहीं है, क्योंकि हमारा दबाव नहीं है। ऐसे ही जो सामाजिक संगठन है कहते जी फोटो वही लगाएंगे, बाबा साहब का लगाएंगे, बुद्ध का लगाएंगे, ज्योतिबा फुले का लगाएंगे, पेरियार साहब का लगाएंगे, सब संतों का लगाएंगे, सबके फोटो सेम है, पर संतों वंतों की बात कोई नहीं मानता। संतों ने कहा एक हो जाओ, बाबा साहब ने कहा मैं झुके इकट्ठे हो जाओ, बुद्ध ने कहा संघ में आओ, पर ये सब अलग अलग चलाते हैं, उनकी बात मानते नहीं, और हम चंदा ये चले जाते हैं, हम उनकी बात मानते चले जाते हैं, और वो टुकड़ों में टूटे हुए हैं। हम कभी नहीं पूछते कि जब तुम्हारा उद्देश्य एक है, तुम्हारे भाव से एक है, तुम काम एक करना चाहते हो, तो तुम अलग अलग क्यों? कभी पूछे हम? पर आप पूछोगे भी तो आपको जवाब कौन देगा? कहेगा आपसे पूछ के थोड़ी बनाए संगठन, आप कौन हो? आप तो सिर्फ ग्राहक हो, चंदा दो बस, आपसे पूछना क्या मतलब है? आपसे पूछे बनाया गया संगठन नहीं बनाया, तो वो आपसे पूछे ना, और आप कहो तो आपकी माने ना, आप उसे हिसाब लेके देख लो जो आपने जीवन भर चंदा दिया है, अगर आपको हिसाब दे दे क्यों पैसा लेते हो, क्यों खर्च करोगे, कहाँ खर्च करोगे, और अलग अलग करोगे तुम सारे खर्च, मैं पागल है क्या? क्यों हमसे पैसा लेते रहो तो हम देते रहते हैं, हम बाबा साहब के नाम पर बढ़ जाते हैं, हम बुद्ध के नाम पर बढ़ जाते हैं, हम ज्योतिबा फुले के नाम पर बढ़ जाते हैं, हम गुरु घासीदास के नाम पर बढ़ जाते हैं, हम पेरियार साहब के नाम पर बढ़ जाते हैं, हम कबीर साहब के नाम पर बढ़ जाते हैं, और हम पूछते नहीं, और पूछे तो जवाब नहीं, और कोई अगर संगठन में पूछ भी ले तो उसको निकाल के बाहर खड़ा कर देते हैं, चले यहाँ से बाहर, तो बड़ा है पूछने वाला, कौन है तो हिसाब लेने वाला, और फिर भी लोगों को चंदा चलते हैं। ऐसी ऐसी इमोशनल, पांच पांच आदमी गैंग बना के घर पे बैठ जाते हैं, लाओ चंदा दो,
राम जयंती आ रही, राम जयंती आ रही, बस अधिकार जा रहे हैं, जयंती बड़ी होती जा रही है, अधिकार छोटे होते जा रहे हैं, पर हम पूछते नहीं। तो ये जो संख्या है ये 29 लाख संख्या है, ऐसे जितने भी संगठन बने हैं, चाहे वो लड़कों के हैं, दलबल के हैं, साधु के हैं, मतों के हैं, संतों के हैं, सामाजिक हैं, राजनीतिक हैं, धार्मिक हैं, आर्थिक हैं, जितने भी हैं, उनकी 29 लाख संख्या है, उनमें 4 लाख एक्टिवेट है। ये 4 लाख संगठन से हम लगातार लगातार कई सालों से बात कर रहे हैं कि भाई आप इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, वो नहीं इकट्ठे होते। तो हम तो मरने वाले हैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं, पहले कैसे काम होता था, क्योंकि संगठन तो अभी बनी ना 70 साल, तो पहले तो संगठन थे नहीं, तो पहले कैसे हम सम्राट अशोक की तरह शक्तिशाली हुआ करते थे, पहले हम पे कोई अप्रोच नहीं होती थी। तब ये स्टडी की गई कि भाई हम तो पुराने संगी हैं और हम समर हैं, हमको बाद में नाम दिए या हमने नाम दिए, पर अभी हम एक हैं, समर हैं, और समर से भी पुराना नाम है गोंडवाना, गोंड, क्योंकि गोंडवाना जो शब्द है वो यहाँ के गोंड क्षेत्र से बना हुआ है, बहुत बड़ा भूभाग है, बहुत बड़ा, और उसका आधा भाग है लारेशिया, लारेशिया पीछे का भाग है, गोंडवाना यहाँ का है। पर हम गोंडवाना की बात नहीं करते, क्योंकि गोंडवाना में जाओगे तो बहुत पुरानी हिस्ट्री है, उसको खोदने में बहुत समय लगेगा, पर समर तक तो आओ, समर तक आओगे तो भी जीत जाओगे, गोंडवाना तक आओगे तो बहुत बड़े बहुत सारे देशों में राज करोगे, पर समर तक आओ कम से कम भारत में स्थिति ठीक हो जाएगी, क्योंकि पहले भी समणों की वजह से हम जीते हैं, समण होने से, बस एक ही काम करना है, हमको कहना है कि हम समण हैं और अब हमें एक साथ रहना है। आपने कैसे एक साथ रहना है आप देखो, संघ में आओ, संघ को सीखो, संघ से सवाल करो, संघ से जवाब करो, संघ में खूब ताकत जागी करो, संघ में से आते रहो जाते रहो, सवाल करते रहो जवाब करते, देखो कि ये संघ ठीक पता नहीं चलता है, देखो कि संघ के जो 10 नियम है उन पर चलता भी है या नहीं चलता है, देखो कि ऐसा नहीं है कि यहाँ से जो बोल के जा रहे हैं लोग वो कुछ कह कुछ रहे कर कुछ हो रहे हैं, अच्छा लगे तो संघ में आओ, क्योंकि इससे हमारे बच्चे बचेंगे, सब बचेंगे, और अच्छा ना लगे तो बता के जाओ कि संघ में क्या कमियाँ क्या नहीं है, पर एक बात देखो जरूर, और संघ को संगठन मत समझना, संगठन समझने की गलती मत करना, संघ संगठन नहीं है, संगठन बहुत बड़ी चीज होती है, अगर संघ भी संगठन की तरह होता तो आज यहाँ जयकारे लग रहे होते हैं, या गले में माला होती, फूलमाला होती, हवाई जहाज का टिकट मिलता मुझे आने जाने का, हमारे और जो साथी हैं उनको फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास हवाई जहाज के टिकट मिलते, होटल में रहना होता और सब खर्चा आप करते और आपसे खर्चा लिया जाता है, यहाँ सब अपने अपने खर्चे से आते, चाहे रोग आए या हंसके आए, पर आते अपने खर्चे से, अपना खाना साथ लाते हैं, जहाँ अपना खाना नहीं होता वहाँ अपना खर्चा देते हैं खाने का, इसलिए संगठन मत कहना, संगठन क्या क्या, हमको गाली मत पकना, हमको गाली पकोगे तो खुद को लगेगी, क्योंकि आप पुराने संगी हो, बहुत पुराने संगी, जन्मजात संगी हो, संघ हमारा और हमारे बाप का था और हमारे दादा का था, और हमारे दादा ने कहा भी है संघं शरणं गच्छामि, ये नहीं कहा कि भिक्खु संघं शरणं गच्छामि, ये नहीं कहा, ये भी नहीं कहा कि भिक्खुनी संघं शरणं गच्छामि, ये भी नहीं कहा कि उपासक संघं शरणं गच्छामि, ये भी नहीं कहा कि उपासिका संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि बोला है वो संघ जिसमें जब सिद्धार्थ यानी कि सिद्धार्थ जब भिक्खु नहीं थे और जिस संघ में गए वो समर संघ ये है, और वही सारे नियम है जो बदल बदल के आ रहे हैं और हाउसों पास होकर आ रहे हैं। सारी बात लगभग मैंने संक्षेप में आपको बता दी है, अभी हम खाना खाएंगे।